हेलो एवरीवन, ये वीडियो है हमारा जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग का और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन टाइप जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। इसमें सबसे पहले यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। अगर आप देखेंगे 15 टू 20 में इंस्ट्रक्शंस हैं, चूज नो मोर देन टू वर्ड्स और अ नंबर। मीन्स अब आप दो वर्ड और नंबर से ज़्यादा टेक्स्ट से चूज नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच एम्प्लॉयज मे चूज नॉट टू वर्क रेगुलर आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से एम्प्लॉय रेगुलर आवर्स में काम करना चूज नहीं कर सकते। अगर हम पैसेज में जाते हैं, हम स्टार्टिंग से ही स्कैन करना शुरू करेंगे रेगुलर वर्किंग आवर्स के बारे में। अगर हम फर्स्ट पैरा देखते हैं तो उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग द डिमांड्स ऑफ योर वर्क। सो वी विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट, वी विल नॉट वेस्ट अ मिनट। द स्टैंडर्ड वर्किंग वीक फॉर फुल टाइम काउंसिल एम्प्लॉयज इज 35 आवर्स फॉर इंडोर स्टाफ एंड 38 फॉर आउटडोर स्टाफ वर्क ओवर 5 डेज। इंडोर स्टाफ आर एबल टू एक्सेस द बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सी टाइम, मीन्स उनको फ्लेक्सीबल टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ दीज ओकेजनली वर्क फ्रॉम होम वेयर अप्रोप्रिएट, और वो लोग घर से भी काम कर सकते हैं अगर चाहें। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनिशिएटिव दैट कैन प्रोवाइड फ्लेक्सीबिलिटी एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयज करियर। मीन्स जो इंडोर स्टाफ है उनको रेगुलर वर्किंग आवर्स की जरूरत नहीं है, दे कैन वर्क फ्लेक्सीबल आवर्स। सो हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का होगा इधर इट कैन बी इंडोर स्टाफ और इट कैन बी ओनली इंडोर और इट कैन बी इंडोर एम्प्लॉय। नाउ लेट्स मूव टू 16th। हाउ मच टाइम ऑफ ईच ईयर इज एन एम्प्लॉय एबल टू टेक टू लुक आफ्टर अ रिलेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एम्प्लॉय को एक साल में कितना समय ऑफ मिलेगा अगर उसने किसी अपने की देखभाल करनी है। अब हम ये इसी कीवर्ड को लेके चलते हैं नेक्स्ट पैरा में, क्योंकि पहले दो पैराज हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पैरा, स्टाफ आर इंटाइटल्ड टू 3 वीक्स पर एनम सिक और केयरर्स लीव। अब आप देखेंगे सिक लीव भी वो ले सकता है, केयरर्स लीव मीन्स वो किसी की टेक केयर करने के लिए। That means हमें अपना आंसर मिल चुका है, तो the answer will be 3 weeks। अब इसको आप words में भी लिख सकते हैं, because 2 words और a number था 3 weeks, और you can write in words THREE 3 weeks। Now let's move to 17 number question। What kind of leave involves a choice between 2 alternative periods of time? अब किस तरह की छुट्टी है जिसमें आपको 2 अल्टरनेटिव पीरियड मिलते हैं और आप चूज कर सकते हैं। हम आगे चलेंगे क्योंकि थर्ड पैरा पे ही हमने छोड़ा था। इन एडिशन टू द नॉर्मल पेरेंटल लीव मैटरनिटी लीव प्रोविजंस, विमेन हु हैव कंप्लीटेड 12 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस कैन एक्सेस अ टोटल ऑफ 9 वीक्स मैटरनिटी लीव that can be taken either as 9 weeks at full pay or as 18 weeks at half pay. Means there are 2 options. एक option क्या है? 9 हफ्ते full pay. दूसरी option है 18 हफ्ते half pay. That means 2 alternative. अब ये कौन सी leave पे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं free maternity leave for the 17th question. So the answer can be only maternity or it can be maternity leave. Now let's move to 18. How long must employees have worked without a break before being entitled to additional holidays? पहले आप question का हमेशा मतलब समझिए। जिसको मतलब समझ आ गया answer वैसे ही clear है। उसने बोला how long must employees have worked, यानी कि किसी एम्प्लॉय को कितना समय हो गया होगा काम करते हुए बिना ब्रेक के अगर उसको एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए, हॉलीडेज दी जाए। तो अब हम पैसेज में आगे चलते हैं जहां मैटरनिटी लीव के आगे छोड़ा था हमने। द एनुअल एंटाइटलमेंट टू पेड लीव हॉलीडेज
यहाँ देखिए ये शॉर्ट पैसेज है जीटी में, तो आपने नोटिस किया होगा ये सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं और अगला आंसर हमें नेक्स्ट पैरा में ही मिल जाएगा। द एनुअल एंटाइटलमेंट टू पेड हॉलीडेज इज 20 डेज प्रो रेटा फॉर पार्ट टाइम आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू 6.5 वीक्स लॉन्ग सर्विस लीव। Now, have we got the answer? Of course, yes. How long must employees have worked without break? It is after 5 years of continuous service. Means, kitne saal ki continuous service hui? 5 years. So, answer will be 5 years for 18th question. Ye totally clear answers hain. Bahut easy. Ab hum chalte hain 19th question pe. What does the financial advice program advise staff about? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल एडवाइस जो प्रोग्राम है वो स्टाफ को किस बारे में एडवाइस करता है? नेक्स्ट पैरा में चलिए, लास्ट सेकंड पैरा। आर फाइनेंशियल एडवाइस प्रोग्राम, यही हमारा कीवर्ड था, इज कंडक्टेड इन पार्टनरशिप विद फ्यूचर प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज। वी प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ एडवाइजर्स स्पेशलाइजिंग इन पेंशंस एंड ऑल आवर एम्प्लॉइज आर गिवन द अपॉर्चुनिटी To meet them as part of induction process. अगर आप second line पढ़ें, we provide the services of advisors specializing in pension. Means वो किस चीज की advice करते हैं? Pensions की। अब आपका answer क्या होगा 19th के लिए? What does financial advice program advise staff about? Pensions. तो 19th का आंसर आपका होगा पेंशंस। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल पीपल कैन एम्प्लॉयज सी इफ दे वांट टू टॉक अबाउट देयर जॉब इन प्राइवेट। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए, किस तरह के प्रोफेशनल पीपल एम्प्लॉयज देखेंगे अगर वो बात करना चाहते हैं अपनी जॉब के बारे में अकेले में। तो दैट मीन्स उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। लास्ट पैरा में जाइए, द एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम EAP इज अ काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइडेड एट नो चार्ज टू ऑल एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। द सर्विस इज अवेलेबल बाय फोन और फेस टू फेस। द EAP प्रोवाइड रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट फॉर एम्प्लॉयज विशिंग टू डिस्कस वर्क और नॉन वर्क मैटर्स कॉन्फिडेंशियली। इस लाइन का मतलब ये हुआ के एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम में क्या करता है, आपको प्रोवाइड रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट जो जिनके साथ एम्प्लॉयज अपने काम से रिलेटेड नॉन काम से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियली अकेले में डिस्कशन कर सकते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स पीपल कैन एम्प्लॉय सी इफ दे वांट टू टॉक अबाउट देयर जॉब इन प्राइवेट। तो किसके साथ कॉन्फिडेंशियली बात कर सकते हैं वो? साइकोलॉजिस्ट, या तो आप आंसर लिख सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, और अगर आप लिख देते हैं रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट तो भी करेक्ट है क्योंकि नो मोर देन टू वर्ड्स था। तो आंसर कैन बी साइकोलॉजिस्ट और यू कैन ऐड रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट। रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट, यू कैन ऐड रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एज वेल। सो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा GT स्टूडेंट्स? हमने सीखा कि बहुत शॉर्ट पैसेज जो हमें आते हैं क्वेश्चन आंसर में, जिसमें बहुत क्लियर कट आंसर है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें हमें पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर आप देखें क्वेश्चन में 15th में उन्होंने बोला विच एम्प्लॉयज, हाउ मच टाइम इन 16, व्हाट काइंड ऑफ लीव, हाउ लॉन्ग मस्ट एम्प्लॉयज, व्हाट डज फाइनेंशियल एडवाइस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, फिर आप इजीली आंसर ढूंढ लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर इन GT। इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल कवर अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर जनरल ट्रेनिंग एज वेल एज एकेडमिक मॉड्यूल रीडिंग। थैंक यू।